इन पांच कारणों की वजह से मिथुन राशि वाले जातकों को जीवन में नहीं मिल पा रही है सफलता। मित्रों, वीडियो को अंत तक देखें, आपकी जिंदगी न बदल जाए तो मुझे कहना। नमस्कार मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल आचार्य जागेंद्र मिश्रा में। मित्रों, आज इस वीडियो में मैं आपको ऐसे पांच कारणों के बारे में बताने जा रहा हूं, जिन्हें यदि आपने जीवन में समझकर इन कारणों पर विचार कर लिया तो मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि आपको इस दुनिया में सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। और मित्रों, इसका सबसे प्रमुख कारण है भचक्र मंडल की ये तीसरी राशि है मिथुन राशि, जिसे शास्त्रों में सर्वश्रेष्ठ बुद्धिमान का पद दिया गया है। जी हाँ, यही वजह है कि यह एक राशि है जो बहुत ही बुद्धिमान राशि है, मिथुन राशि। और जिन जातकों का के अक्षर से नाम है उनके लिए भी यह वीडियो खास है। दोस्तों, जिसे शास्त्रों के अनुसार जीवन में कुछ भी कर गुजरने की दक्षता प्राप्त होती है, आवश्यकता है तो सिर्फ और सिर्फ इन पांच बातों को समझने की। ऐसे में यदि आपके नाम का भी पहला यानी कि अक्षर के है तो आप इस वीडियो यानी ये वीडियो आपके लिए काफ़ी अच्छा है। तो आप मिथुन राशि के जातक हैं तो आइए जानते हैं कौन सा वह सर्वश्रेष्ठ यानी कि सर्वप्रथम कारण है जिसकी वजह से आपको जीवन में नहीं मिल पा रहे हैं आपकी दक्षता अनुसार पूर्ण रूप से सफलता। मित्रों, मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में सफलता में अवरोधक का सबसे बड़ा कारण बताया गया है आपके शरीर के अंदर उत्पन्न आलस। जी हाँ, यदि आप मिथुन राशि के व्यक्ति हैं तो आप अपने स्वभाव के बारे में भली भांत जानते होंगे कि आपके जीवन में आपको प्राप्त हुई कई अवसर सिर्फ और सिर्फ आलस की वजह से छूट जाते हैं। और इसका सबसे प्रमुख कारण है कि आप प्रत्येक कार्य को आज कर लेंगे कल कर लेंगे इस बात पर टालते रहते हैं। और यदि कोई कार्य करना भी पड़ा तो इस स्थिति के अंदर होता है जब वह कार्य आपके घर यानी कि सर के ऊपर आकर गिर जाए, अन्यथा आप आजकल पे अपने कार्यों को टालते हैं। और शास्त्र मत अनुसार यही है वो सर्व प्रथम कारण जिस कारण आपको अपनी दक्षता के अनुसार नहीं मिल पाती जीवन में सफलता। ऐसे में मित्रों, आपसे यही कहना चाहूँगा मिथुन राशि के जातकों, यदि आप जीवन में सफल होना चाहते हैं तो आपको आलस को अवश्य त्याग देना चाहिए। तो आइए जानते हैं कौन सा है वो दूसरा कारण जिसे शास्त्र मत आपके जीवन में अब रोधक का दूसरा कारण है बताया गया है। तो मित्रों, वह कारण है अपने आप को सही समय आने पर खुलकर रिप्रेजेंट ना कर पाना। जी हाँ, अक्सर देखा जाता है कि मिथुन राशि वाले जातक बहुत मस्त मौजी और खुले मिजाज के होते हैं, हंसी मजाक करना बातें करना इन्हें बहुत पसंद होता है, किंतु जब सही समय पर इनको बोलने की आवश्यकता होती है वहां पर आप खुलकर अपने आपको रिप्रेजेंट नहीं कर पाते और अपनी मन की बातें अपने मन में ही रख लेते हैं, फिर चाहे वर्तमान गतिविधियां आपका कोई भी बड़ा नुकसान ही क्यों ना हो, और अपने आप को खुलकर प्रेजेंट लोगों के सामने नहीं कर पाते। ऐसे में मित्रों, मैं आप सभी को यही कहना चाहूँगा मिथुन राशि के जातकों की अपनी इस कमजोरी को अपनी ताकत बनाएं, ये आपके जीवन में सफलताओं में बहुत बड़ा अवरोधक उत्पन्न करती हैं। आपकी इसी कमी की वजह से आपके जीवन में कई लाभ के अवसर भी आप चूक जाते हैं। इसलिए आपको चाहिए कि अपने आप को खुलकर लोगों के सामने प्रेजेंट करें, विशेषकर वहाँ जहाँ सच में आपको अपनी दक्षता दिखाने की आवश्यकता पड़े। मित्रों, बात करें अब तीसरे कारण की, तो शास्त्र मत अनुसार वह कारण है मित्रों आपके द्वारा किया गया समय का दुरुपयोग। जी हाँ, यदि आप एक मिथुन राशि के जातक हैं व्यक्ति हैं तो आप स्वयं भली भांत जानते हैं कि अपने समय का दुरुपयोग बहुत अधिक मात्रा में करते हैं, मौज मस्ती करना, अपने दोस्तों के साथ समय गुजारना। किंतु मित्रों, एक सभी लोग जानते हैं कि किसी भी कार्य को करना बुरा नहीं होता है, यानी कि आप जो भी ठीक लगे उसे जरूर करें, किंतु उस कार्य के अंदर अति ना हो, यानी कि उस कार्य को यानी कोई भी कार्य करें तो उसे आलस या फिर किसी तरह का टाले ना, तो सदैव हानिकारक होगा ऐसे में। और आप अपने समय का दुरुपयोग यानी बहुत अधिक मात्रा में करते हैं, और कई बार तो अपने आप को जीवन में ऐसी स्थितियां देखने को मिलती है कि
अपनी मौज मस्ती के चलते आप अपने लक्ष्य से भी दूर हो जाते हैं और समय निकलने के पश्चात सिर्फ एक ही स्थिति बचती है और वह है कि पश्चाताप, जिसे चाहे जितना कर लो किंतु वह समय आपका लौटकर फिर नहीं दे सकता। ऐसे में मित्रों, आपको चाहिए कि समय का दुरुपयोग ना करके अपने जीवन में एक लक्ष्य साधे और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एकाग्रचित होकर अपने जीवन में आगे बढ़े। मैं आपसे वादा करता हूँ, आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता और उसका सबसे प्रमुख कारण है मित्रों, मिथुन राशि वाले जातकों को सफलता प्राप्ति की दक्षता भगवान स्वयं देकर भेजते हैं। आवश्यकता है तो सिर्फ आपको जानने की। मित्रों, बात करें यदि चौथे कारण की, तो वह कारण है विपरीत लिंग की तरफ बहुत जल्द आकर्षित हो जाना। जी हाँ, मिथुन राशि वाले जातक विपरीत लिंग की तरफ बहुत जल्द आकर्षित हो जाते हैं, जिसके चलते आपका समय और पैसा दोनों व्यर्थ होते हैं। और मित्रों, आप सभी लोग जानते हैं कि पैसा तो एक बार फिर से कमाया जा सकता है, किंतु समय को नहीं कमाया जा सकता। और अक्सर देखा जा सकता है कि मिथुन राशि के जातक तो अपने जीवन में लक्ष्य से तो भटकते हैं, साथ ही इनको जीवन में अन्य कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है या फिर देखने को मिलती है। तो आइए जानते हैं कौन सा वह है अंतिम कारण, पांचवा, जिसे शास्त्र मत अनुसार मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में बताया गया है। सफलताओं में अवरोधक तो मित्रों वह कारण है आपके जीवन में नियमबद्धता की कमी। जी हाँ, मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में नियमबद्धता की बहुत अधिक मात्रा में कमी पाई जाती है। कब सोना है, कब उठना है, कब खाना है, कब पीना है, ऐसा कोई टाइम आपके जीवन में होता है नहीं है। और इस नियम की बद्धता की कमी से ही आप अपने जीवन में आप लोगों की अपेक्षाकृत पीछे की तरफ आते रहते हैं। और मजे की बात यह है कि आप जानते भी हैं कि नियमबद्धता जीवन में बहुत आवश्यक है और इसी कारण आप अपने आप से वादे भी करते हैं, अपने बातों पर भी ध्यान नहीं देते, किंतु स्वयं की लापरवाही के चलते आप अपना काम चला कर ही नहीं देते। यदि आप चाहें कि मेरे जीवन में नियमबद्धता का पालन करना ही है, तो आप शत प्रतिशत करने के योग्य हैं और आप चाहे वो कर सकते हैं। आवश्यकता है तो स्वयं को जानने की, स्वयं को पहचानने की और स्वयं को एक वादा करने की। फिर मैं आपसे वादा करता हूं कि आपके जीवन में आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। तो मित्रों, यह है वह पांच कारण मिथुन राशि के जातकों, जिन कारणों की वजह से आप को जीवन में नहीं मिल पा रही है सफलता, नहीं मिल पा रही है तरक्की, नहीं मिल पा रही है कामयाबी। तो इन चीज़ों को आप गांठ जरूर बांध लें। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा जो भी मिथुन राशि के जातक और के अक्षर के जातक हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय शनिदेव।